गर्भ निरोध की जो बहुत सारी टेक्निक्स है वो अपने मासिक चक्र पे क्या प्रभाव डालती है। मैं डॉक्टर सुप्रिया पुराणिक, टेस्टी बेबी कंसल्टेंट एंड प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी मोर देन 20 इयर्स। हम अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए गर्भ निरोधक के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गर्भ निरोध की जो बहुत सारी टेक्निक्स है वो अपने मासिक चक्र पे क्या प्रभाव डालती है। गर्भ निरोध यानी कि फैमिली प्लानिंग के लिए हम बहुत बार दवाइयों का या गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दवाइयाँ आमतौर पे 21 दिन की रहती है और इसमें दो टाइप के हार्मोन्स रहते हैं जिसको हम ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। जब ये गोलियों का हम सेवन करते हैं तो आइए हम जानेंगे वो हमारे मासिक चक्र पे क्या प्रभाव डालते हैं। जब ये हम गर्भ निरोध गोलियों का दवाइयों का जब इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये देखना है कि ये दवाइयाँ हमें रेगुलर लेनी चाहिए, क्योंकि हम बीच में एक या दो दिन मिस करते हैं तो उसी दिन से हमें ब्लीडिंग शुरू हो जाता है और हमारे पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसीलिए जब 21 दिन की जब हम गर्भ निरोध की दवाइयाँ लेते हैं तो वो हमें बिल्कुल मिस नहीं करनी है। जब हम ये मिस करते हैं तो हमें बीच में ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन जब ये दवा हम रेगुलर तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इस पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से 21 दिन तक लेना, एक भी दवाई मिस नहीं करना, वो छोड़ देना 21 दिन के बाद, तो दो चार दिन में वापस से पीरियड शुरू हो जाता है। वापस उसे दूसरे या तीसरे दिन से हमें वो दूसरा कोर्स शुरू करना है। जब हम ये रेगुलर तौर पे लेते हैं तो हमारा मासिक चक्र एकदम नियमित हो जाता है और अपने मासिक चक्र का स्त्राव बहुत ही कम होता है, यानी कि लाइट हो जाता है। इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जब ये गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पीरियड्स लाइट हो जाते हैं और हम एनीमिया से बचते हैं और उसके साथ ही और हमारे पीरियड्स एकदम रेगुलर हो जाते हैं। दूसरा जो प्रकार रहता है जिसे हम प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दवाइयाँ रहती है वो एकदम हाई डोज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की दवाई रहती है जो हमारे अनप्रोटेक्टेड सेक्स से 72 आवर्स के 72 घंटों के अंदर लेनी होती है। ये जो दवाई रहती है इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हार्मोन रहती है, इसीलिए इसका सेवन करने के बाद बहुत लोगों में पीरियड्स बहुत ही जल्दी शुरू हो जाते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन में पीरियड शुरू हो जाते हैं। और जब पीरियड शुरू हो जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट साइकिल अगला साइकिल अनियमित होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए हमें ये याद रखना है जब हम इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद हम जब दवाइयाँ लेते हैं जो 72 घंटे के अंदर लेनी होती है, उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा महीना यानी कि मासिक चक्र शुरू हो सकता है। ये मासिक चक्र 2 से 3 दिन में अपने आप बंद हो सकता है, लेकिन कभी कभी ये मासिक चक्र बहुत ही लंबी समय तक चलता रहता है और उसके लिए आपको दवाइयाँ लेना जरूरी हो सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण मोड रहता है IUD यानी कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। जो डिवाइस हम अनचाहे प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमारे गर्भाशय में लगवाते हैं। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बहुत ही लंबे दिन तक हमें कॉन्ट्रासेप्शन की सुविधाएं दे सकती है। ये दो टाइप की रहती है, एक रहती है नॉन हार्मोनल और दूसरी रहती है हार्मोनल। जो नॉन हार्मोनल IUD रहती है इसको हम आमतौर पे कॉपर टी कहते हैं। ये जो कॉपर टी का हम इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी हमारा मासिक चक्र का स्त्राव बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है। मिसाल के तौर पे हम समझ ले मासिक चक्र हमें 3 दिन का होता है, तो जब हम कॉपर टी लगवाते हैं तो मासिक चक्र 4 या 5 दिन तक भी लंबा खींच सकता है। और एक बदलाव मासिक चक्र में हो सकता है कि पीरियड्स थोड़े से जल्दी शुरू हो सकते हैं, यानी कि हमारा 28 दिन का जब साइकिल रहता है
तो ये कभी कभी 26 डेज की साइकिल्स के तौर पे दिखाई दे सकता है। कभी ऐसा भी बदलाव आ सकता है कि पीरियड शुरू होने से पहले आपको थोड़ी सी स्पॉटिंग महसूस हो जाती है, इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग बोलते हैं। इसके साथ ही जब ये कॉपर कंटेनिंग आयोडीज का हम इस्तेमाल करते हैं तब मासिक चक्र में पेन यानी कि दर्द होता है, इसको हम डिसमेनोरिया कहते हैं और ये डिसमेनोरिया हमें ज्यादा मात्रा में महसूस होता है। लेकिन जब हम हार्मोन रिलीजिंग आयोडी का इस्तेमाल करते हैं, हम बहुत ही कॉमनली यूज करने वाली जो आयोडी, ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी जो रहती है वो मिलीना रहती है, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उल्टा हो जाता है, पीरियड साइकिल एकदम लाइट हो जाता है। मिसाल के तौर पे देखा जाए जब आप 4 दिन का आपका साइकिल रहेगा तो वो सिर्फ आधा दिन ही होता है, और लगभग 25-30% लोगों में ये जो मिलीना हम 5 साल इस्तेमाल करते हैं तो ये 5 साल तक पीरियड्स कभी कभी होते ही नहीं है, कभी होते हैं लेकिन ना के बराबर होते हैं, और कभी होते हैं वो एकदम लाइट रहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण मोड रहता है इंजेक्शंस, जिसको हम डेपो इंजेक्शंस कहते हैं। वो इंजेक्शंस कभी 2 महीने से दी जाती है, कभी 3 महीने से दी जाती है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की इंजेक्शन रहती है। यूजुअली इस टाइप की इंजेक्शन हम लैक्टेशन के पीरियड में जब हम बेबी को स्तनपान करते हैं उस दौरान दी जाती है। जब हम इस कॉन्ट्रासेप्टिव मोड का जब इस्तेमाल करते हैं तो पीरियड साइकिल अपने रुक जाते हैं, और कभी कभी पीरियड साइकिल हो जाते हैं वो भी एकदम लाइट हो जाते हैं, और कभी कभी वो स्पॉटिंग जैसे भी हो सकते हैं। लेकिन जब तक आप एवरी 2 मंथली या 3 मंथली इंजेक्शन लगातार लेते हो उस दौरान आपको कभी कभी पीरियड ना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही सुरक्षित ऑप्शन रहता है। लेकिन हमारे मन में एक संभ्रम रहता है, जब पीरियड का फ्लो कम होता है, जब वो खुल के नहीं आता तो हमें लगता है कि हमारे शरीर में सारी इम्प्यूरिटी जमा हो रही है, लेकिन ये सरासर गलतफहमी है। हमारे पीरियड्स में यानी कि मासिक चक्र में जो खून बहता है ये एकदम स्वच्छ रक्त रहता है जो बेबी के पोषण के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन पीरियड जब शुरू होते हैं उसके बाद 1-2 दिन के बाद वो जब बाहर आ जाते हैं उसकी वजह से वो थोड़े से काले हो जाते हैं और उसको थोड़ी सी बदबू आ जाती है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है पीरियड के दौरान, मासिक चक्र के दौरान जो ब्लड फ्लो जाता है वो पूरा शुद्ध रक्त का ही रहता है, जिसका कम जाना हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिए, और हमारे ये गायनिक, प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, IVF रिलेटेड वीडियो जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।